योगी आदित्यनाथ को आज जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, दंग रह गया, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक मूड में थे। योगी ने भरे सदन में चेतावनी देते हुए कह दिया कि शहीदों, अपराधियों और गुंडे मवालियों को अब छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चला है और अब बुलेट चलेगी। और इतना ही नहीं, योगी ने आज विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी पर भी खुलेआम निशाना साधा और उन गुंडे मवालियों को आगाह किया जो समाजवादी नेताओं की सरपरस्ती में सूबे की शांति व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की सियासी साजिश कर रहे हैं। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा तो योगी की बुलेट चलेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान है। किसी बहन बेटे की इज्जत उछलेगी तो योगी की बुलेट चलेगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान है। किसी व्यापारी से फिरौती मांगी जाएगी तो योगी की बुलेट चलेगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी ऐलान है। यूपी का कोई गुंडा अपराध करेगा तो योगी की बुलेट चलेगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी ऐलान है। कोई शहदा, कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट, कोई गुंडा, कोई अपराधी, माफिया, सब नापे जाएंगे और बुरी तरह नापे जाएंगे। योगी ने भरे सदन से ये ऐलान कर दिया कि किसी पर कोई हाथ हो, कोई सरपरस्ती हो, छोड़ा नहीं जाएगा। काफी दिनों बाद योगी आदित्यनाथ का ये रौद्र रूप देखने को मिला। यूपी की जनता ने बड़े दिनों बाद अपने सीएम को इतने गुस्से में देखा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। राम की नगरी अयोध्या में एक मासूम के साथ जो हैवानियत हुई वो वाकई शर्मनाक घटना है। समाजवादी पार्टी के एक नेता की इस मामले में संलिप्तता ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। योगी ने इस बात की हैरानी जताई कि मामले के सामने आने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हालांकि दो दिन पहले ही सीएम योगी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए थे और अयोध्या में 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता निकला। योगी ने विधानसभा में सपा के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और दो दिन बाद ही अयोध्या में सपा नेता के गैंगरेप का वीडियो बनाने की बात पुख्ता हो गई। अयोध्या पुलिस ने आज 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी और समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी राजू खान को गिरफ्तार कर दिया। पीड़ित के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की, लेकिन इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह थी कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या सांसद अवधेश पासी बेखबर थे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी न बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है
और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी माँ और बहनों को मजदूरी से मिले पैसे से चलता था। तकरीबन 2.5 महीने पहले जब पीड़िता मजदूरी करके घर लौट रही थी तो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाले राजू खान ने उसे सपा नेता मोहित खान के पास लाया और मोहित खान ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सपा नेता मोहित खान ने रेप किया और राजू ने मोबाइल से वीडियो बनाया और उसके बाद राजू ने भी उस नाबालिग का रेप किया। इस पूरी घटना से आहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनके राज्य में अगर किसी बहन बेटी की इज्जत उतरेगी तो बुलेट चलेगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। अयोध्या का मामला ही नहीं, एक के बाद एक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। योगी को ये महसूस होने लगा है कि उत्तर प्रदेश की फिजाओं में जानबूझकर असुरक्षा का जहर घोला जा रहा है। लखनऊ की सड़क पर जिन शहीदों ने हुड़दंग मचाया वो भी बेहद शर्मसार करने वाली घटना थी। राजधानी लखनऊ में ये मरीन ड्राइव का इलाका कहलाता है। अम्बेडकर चौराहे के ठीक बगल में होटल ताज के सामने तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़के और लड़की के साथ ये गुंडे पानी उछाल रहे थे और देखते ही देखते इन शहीदों ने लड़की को बाइक से खींचकर पानी में गिरा दिया। निश्चित तौर पर यह वारदात उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगाने वाली थी। बीच सड़क पर एक बेटी इन शहीदों की बदतमीजी का शिकार हो रही थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था, पुलिस भी नहीं थी। वीडियो वायरल हुआ तो योगी ने पहला एक्शन पुलिस महकमे पर ही लिया और पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया। एक एक वाहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का एक परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। लेकिन योगी की कार्रवाई पुलिस चौकी तक ही नहीं रुकी। योगी ने उन शहीदों को आइडेंटिफाई करवाया जिन्होंने लखनऊ की इस बेटी की इज्जत को उछाला है। अब सुनिए किस अंदाज में योगी उन शहीदों का नाम ले रहे हैं और किस अंजाम तक पहुंचाने की चेतावनी दे रहे हैं। कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। पहले बुलडोजर अब बुलेट। योगी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के आतंक को रोकने के लिए बुलेट भी चलाई और बुलडोजर भी चलाए। इतने बुलडोजर चलाए कि योगी देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे। शहीदों की शामत के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलवाया। लेकिन अचानक फिर उत्तर प्रदेश में गुंडे और मवालियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस बात को योगी भी महसूस कर रहे थे और जान भी रहे थे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और किसकी सरपरस्ती में गुंडे मवालियों ने फिर से उछलकूद मचानी शुरू कर दी। लेकिन 24 के नतीजों से हौसला पाए विरोधी योगी के टेम्परामेंट को जानते हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं, मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है।
2024 के नतीजों से अगर किसी ने ये मान लिया कि योगी कमजोर हो गए, तो योगी ने आज उन सारी गलतफहमियों को भरे सदन में दूर कर दिया। पहले अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता को बेनकाब किया, फिर हरदोई में एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो न इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोर है और इस कोर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। योगी की कमजोर होती छवि पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला, लेकिन जिसने आज योगी को देखा, जिसने सुना, वो समझ गया कि बुलडोजर योगी बुलेट लेकर लौटे हैं और उनका ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि यूपी का बचा हुआ कचरा साफ नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।